जी हाँ दोस्तों, मोटर टॉक्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो गाड़ी हमारे पास है वो है महिंद्रा बोलेरो। जो मॉडल है इसका वो है SLX। तो अगर मैं बात करूं कार की मॉडिफिकेशन की, तो मॉडिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, अलॉय व्हील्स लगाए हैं 17 इंच के, जो इस कार को काफ़ी अट्रैक्टिव और कैची फील दे रहे हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, गाड़ी कितनी खतरनाक और कितनी बोल्ड लग रही है इन टायर्स लगने के बाद। टायर्स जो साइज है वो काफ़ी थोड़ा चौड़ा है, ब्रॉड है, जिसकी वजह से 4-4 इंच जो बाहर निकले हैं टायर्स वो काफ़ी अच्छा मतलब इसे लुक दे रहे हैं। तो नॉर्मल जो टायर साइज आता है इस कार का वो है 15 इंच के, जो इसमें टायर्स मिलते हैं। उसके बाद इन्होंने जो टायर्स अपग्रेड कराते हैं, तो एक बार मैं आपको चारों तरफ से गाड़ी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है इसका साइड लुक। साइड लुक के बाद चलते हैं हम इसके बैक लुक में। तो ये है इसका बैक लुक। तो बैक लुक में देख सकते हो आप भाई, स्टेपनी भी इन्होंने अलॉय व्हील्स के साथ लगाई है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अलॉय व्हील्स लगा देते हैं लेकिन स्टेपनी नॉर्मल रहने देते हैं, तो ये इन्होंने अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। अब मैं इसका आपको इसका साइड का लुक चेकआउट कराता हूँ। तो साइड का लुक आप देख सकते हो, उसके बाद फ्रंट पर ले चलते हैं आपको। तो फ्रंट का लुक चेकआउट करो दोस्तों, काफ़ी बोल्ड लगती है बोलेरो। फ्रेंड्स, अब करते हैं कार के अलॉयज की डिटेलिंग। डिटेलिंग की बात मैं अगर करूं कार्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक पियानो फिनिश के साथ क्रोम स्ट्रिप जो दी गई है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखो, टायर जो है काफ़ी ब्रॉड है, उसमें जो क्रोम है बीच में, क्रोम की इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, तो उस वजह से भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लुक चेकआउट कर सकते हो और कमेंट में ज़रूर बताना कि अलॉयज भाई ने कैसे लगाए हैं। तो यहाँ से देखते हो कि 4 इंच कम से कम ये बाहर निकले हैं। थोड़ी बात अब इसके इंटीरियर की भी कर लेते हैं कि इंटीरियर इसका कैसा लगता है। तो दोस्तों, इस गाड़ी में यह है इसका इंस्ट्रूमेंट, एक मैं इसकी चाबी निकाल देता हूँ। यह है दोस्तों इसकी गाड़ी की की। थोड़ा स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो ये देखो उस गाड़ी का मीटर, डिजिटल मीटर इसमें दिया गया है, और ब्राउनिस जो पूरा टेक्सचर दे रखा है इस गाड़ी का। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस गाड़ी में मिलते हैं आपको पावर विंडोज़, जो इस मॉडल में SLX में पावर विंडोज़ इसमें मिलते हैं। थोड़ा सा पावर जो विंडो के एडजस्टमेंट है ना, वो मुझे थोड़ा सा इसमें काफ़ी हद तक सही नहीं लगी। वो पावर विंडो का एडजस्टमेंट शायद अगर इस दरवाजे में जैसे नॉर्मल गाड़ीज में होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग लगता। उसके साथ अगर मैं गाड़ी के स्पेस की बात करूं, तो पीछे यहाँ पे आराम से 3 बंदे बैठ सकते हैं। उसके साथ बैक सीट पे भी इसकी आर्मरेस्ट दे रखा है। थोड़ा सा जो पीछे बैक सीट पे 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर स्पेस आपको कम मिलता है, ठीक है। इवन मेरी हाइट बहुत कम है, उसके बाद भी जो मुझे इसका यहाँ पे ये स्पेस मिलता है वो थोड़ा सा मुझे कम लगा। उसके साथ गाड़ी अगर चलने के मामले में बात करूँ तो काफ़ी हद तक स्मूथ है। मैं बैठा हूँ गाड़ी की फ्रंट सीट में, और फ्रंट सीट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है सामने क्या हो रहा है। बोनट आपको यहाँ पे पूरा क्लियर दिखता है इसका। तो फ्रंट सीट में बैठ के इसे चलाने का मज़ा काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।